मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाहरुख लोधी है। मैं कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हूँ और माय डेंटिस्ट पे काम करता हूँ। डिमॉन्मेरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री से मेरी ग्रेजुएशन है 2011 की, और मुझे एज ए जनरल डेंटल प्रैक्टिशनर काम करते हुए पिछले 6.5 साल हो गए हैं। मैं सर्टिफाइड इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ और सर्टिफाइड ऑर्थोडॉन्टिस्ट हूँ। हमारा मेन काम जो है वो स्माइल मेकओवर्स है, रिहेबिलिटेशन है। मेरी मेन फील्ड मेरे क्लिनिक के ऊपर रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री है। रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री के अंदर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स भी शामिल होते हैं, इम्प्लांट्स भी शामिल होते हैं और ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट्स भी। ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट्स से मुराद आम जुबान में हम ब्रेसेस को बोलते हैं कि हम ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट्स करते हैं उनके लिए। हम फुल माउथ रीहैब्स करते हैं, जिन लोगों के बिल्कुल कोई दांत नहीं होते या बहुत कम दांत होते हैं, ठीक है, उनको हम पूरे का पूरा हम दांत लगाते हैं। अब उसको हम इम्प्लांट के ज़रिए भी कर सकते हैं और उसको हम ब्रिजेस के ज़रिए भी करते हैं, हम उसके अंदर डेंचर्स भी देते हैं। इस तरह हमारी फैसिलिटी के ऊपर, जो कि माय डेंटिस्ट के नाम से है, वो पिछले 3.5 साल से है, उसके ऊपर हम सारे का सारा रिस्टोरेटिव काम करते हैं। माय डेंटिस्ट से पहले मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर के अंदर एज ए कंसल्टेंट डेंटल सर्जन काम करता था। उनका एक कंसल्टेंट क्लिनिक है जो कि डेंटिस्ट्री को डील करता है, उसके अंदर मैंने 3 साल काम किया। और उसके बाद जो है हम अपनी फैसिलिटी पे आप काम कर रहे हैं। हमारी फैसिलिटी के अंदर स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, जिसके अंदर लाहौर के 2 मोस्ट रिनाउंड सर्जन्स हैं। डॉक्टर गुलरेज उल्फकार हैं, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं, जिना हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर, जो जिना हॉस्पिटल हमारा लाहौर का है उसके अंदर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के। उसके अलावा डॉक्टर इमरान नसीर, जो कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री हैं जिना हॉस्पिटल के, वो हमारे विजिटिंग डेंटल कंसल्टेंट्स हैं और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स के अंदर हम उनके साथ जो है वो हेल्प लेते हैं। आजकल हमारी कम्युनिटी के अंदर मेनली जो है वो अवेयरनेस क्रिएट होना शुरू हो गई है डेंटिस्ट्री के हवाले से। जो है लोग अपने स्माइल के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इन सब चीज़ों को डील करने के लिए हमें एक ऐसी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है जिसके अंदर सब स्पेशलिटीज़ के लोग जो है वो शामिल हों, ठीक है। सो इसलिए एट आवर क्लिनिक माय डेंटिस्ट, जिसका नाम है, हम कोशिश करते हैं कि हम हर फील्ड को अलग अलग ट्रीट करें, ठीक है। मी एज माई सेल्फ आई ट्रीट फॉर द रेस्टोरेटिव पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। द सर्जरी पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ डेल्ट बाय डॉक्टर गुलरेज उल्फकार, जो कि ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। इसी तरह हमारे पास एक एंडोडोंटिस्ट मौजूद है। एंडोडोंटिस्ट मीन जो लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, स्पेशलाइज रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स करते हैं, उसी के लिए है एक बंदा जो कि वो करता है। ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट वो डेंटिस्ट होते हैं जो कि ब्रेसिस के साथ जो है वो आपके टेढ़े मेढ़े दांतों का ट्रीटमेंट करते हैं। टेढ़े मेढ़े दांतों का ट्रीटमेंट कराना क्यों ज़रूरी है? जब आपके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो आप उनकी सही तरीके से सफाई नहीं रख सकते, ये इसका एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि टेढ़े मेढ़े दांत होने की वजह से आपकी स्माइल कॉम्प्रोमाइज़ होती है। आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्मेटिक टाइप जो है वो हमारा जो है वो एनवायरनमेंट हो गया है, तो इस चीज़ के लिए जो है वो हमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास 2 ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। एक कि हम थ्रू वॉइस ट्रीटमेंट करें, दूसरा कि हम इनविजिबल अलाइनर्स यूज़ करें। इनविजिबल अलाइनर्स जो हैं वो एक प्लेट की तरह होते हैं, हर 2 हफ्ते के बाद उसका एक सेट चेंज होता जाता है। एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट आपके दांत अलाइंड हो जाते हैं। इसके अलावा वायरस वाला ट्रीटमेंट है जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी को इसका पता होता है। ब्रैकेट्स इंस्टॉल होती हैं, वो मेटल की भी हो सकती हैं, उसके अलावा वो कॉस्मेटिक जो ब्रैकेट्स होती हैं जो कि टूथ कलर्ड ब्रैकेट्स होती हैं वो भी यूज़ की जा सकती हैं। मिसिंग टूथ की रिप्लेसमेंट के लिए इम्प्लांट्स मोस्ट एडवांस्ड प्रोसीजर है जो कि डेंटिस्ट्री के अंदर मौजूद है। हमारे पास किसी भी मिसिंग टूथ को रिप्लेस करने के लिए 2 ऑप्शन मौजूद होती हैं, जिसके अंदर एक फिक्स्ड है और एक रिमूवेबल है। फिक्स्ड के अंदर हमारे पास फिर से 2 ऑप्शन मौजूद हैं, जिसके अंदर एक इम्प्लांट्स हैं और एक ब्रिजेस हैं। हम इम्प्लांट्स को एनकरेज करते हैं, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि जिस वक्त आप एक ब्रिज लगवाते हैं तो आप 2 हेल्दी दांतों को कट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। एट द एंड ऑफ द डे जब ब्रिज फेल होता है तो आपको 3 दांतों की रिप्लेसमेंट लेनी पड़ती है। सो हम इम्प्लांट्स को एनकरेज करते हैं, ये नॉर्मल दांतों की तरह एक्ट करते हैं, काइंड ऑफ परमानेंट ट्रीटमेंट हैं। वी डू नॉट से कि ये परमानेंट ट्रीटमेंट हैं, लेकिन ये काइंड ऑफ परमानेंट ट्रीटमेंट हैं।
जैसे हम नेचुरल दांतों का अगर ख्याल नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाते हैं, उनको निकालना पड़ता है, इसी तरह इम्प्लांट्स भी एक नेचुरल दांत की तरह एक्ट करते हैं। अगर आप इम्प्लांट्स का ख्याल नहीं करेंगे, उनको रेगुलर क्लीनिंग नहीं करेंगे, आप रेगुलर चेकअप नहीं करवाएंगे, तो इम्प्लांट्स भी ख़राब हो जाते हैं, बट दे आर काइंड ऑफ नेचुरल ट्रीटमेंट। पाकिस्तान में एज ए कम्युनिटी हम ओरल हेल्थ हाइजीन के ऊपर तवज्जो नहीं देते, बिकॉज इससे कई लोग समझते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक 70-80% अब के अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो 60% लोग जो हैं वो अपनी ओरल हेल्थ हाइजीन के ऊपर जो है वो ध्यान नहीं देते, और वो एक डेंटिस्ट को उस वक्त विजिट करते हैं जिस वक्त उनको कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं वो, या फिर उनको किसी दांत में पेन है सिर्फ इसलिए वो विज़िट करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो हम अगर किसी बात की तरफ जाएं तो वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लेने के लिए जो हमें विज़िट करते हैं, बट जिस वक्त वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए विज़िट करते हैं तो उसके साथ और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो वो इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज वो अपनी प्रीवियस लाइफ के अंदर ओरल हाइजीन के ऊपर तवज्जो नहीं देते थे। सो हम सबको एज ए कम्युनिटी, एज ए डेंटल कम्युनिटी, मुझे जो है और हम सबको एज ए कम्युनिटी जो कि एक डेंटिस्ट को विज़िट करते हैं, एज ए पेशेंट विज़िट करते हैं, उनको अपने कम्युनिटी के अंदर, अपने साथ वालों में, अपने दोस्तों में, अपने घर वालों में ये अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी कि हमें एटलीस्ट 6 मंथ डेंटल चेकअप करवाना होगा। नॉट फॉर दिस थिंग कि हमें ट्रीटमेंट कराना है, बट फॉर दिस थिंग कि कोई चीज़ अगर डायग्नोस होने वाली है एट द प्राइमरी लेवल जो है तो वो उस वक्त डायग्नोस हो जाए। ओरल हेल्थ मेंटेनेंस, डेंटिस्ट्री के अंदर हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप ब्रशिंग करके और फ्लॉसिंग करके अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, बट बिसाइड दिस थिंग आपको एक डेंटिस्ट को एवरी 6 मंथ ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अगर हम ऑन द बिहाफ ऑफ पेशेंट कहें कि जो है ओरल हेल्थ हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, तो उसका तरीकाकार ये है कि हमें दिन में 2 मरतबा ब्रशिंग ज़रूर करनी है। अब इसके अंदर टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, हमें सुबह के नाश्ते के बाद ब्रशिंग करनी है और हमें रात को सोने से पहले ब्रशिंग करनी है, और उसकी एक बड़ी सॉलिड रीज़न है, हमारे मुंह में बैक्टीरिया मौजूद हैं, डेंटल केरीज जिसको हम आम जुबान में कीड़ा कहते हैं या जो और मुंह की बीमारियां हैं वो एक ट्रायंगल से रिलेटेड हैं, जिसके अंदर फर्स्ट नंबर पे बैक्टीरिया है, दूसरे नंबर पे टाइम है और तीसरे नंबर पे फूड फैक्टर है। सो हम ना तो बैक्टीरिया को एलिमिनेट कर सकते हैं ना टाइम फैक्टर को एलिमिनेट कर सकते हैं, बट हम फूड को एलिमिनेट अपने मुंह के अंदर से कर सकते हैं। सो फॉर दैट थिंग जो है हमें नाश्ते के बाद करना है ब्रशिंग, क्योंकि उसके बाद आपके लंच टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारा टाइम है, ठीक है, जिसके अंदर आपका मुँह क्लीन रहेगा, ठीक है। अब रात के टाइम पर क्लीनिंग करने का एक सॉलिड रीज़न है, रात के वक्त आपके मुंह के अंदर जो थूक है जिसको हम एक बहुत अदना सी चीज़ समझते हैं लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका फ्लो कम हो जाता है, बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ जाती है। सो उस बैक्टीरियल एक्टिविटी को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन वो जिस चीज़ पे एक्ट करते हैं हम उसको रोक सकते हैं, और रात में तकरीबन 6-8 घंटे का टाइम पीरियड होता है जिसमें वो बैक्टीरिया एक्ट कर सकते हैं। सो रात को खाने के बाद, सोने से पहले, जिसके बाद आप कुछ नहीं खाएंगे, आप ब्रश करेंगे तो आप अपनी ओरल हेल्थ हाइजीन को मेंटेन कर सकेंगे। मरहम को मैं पिछले तकरीबन 2 साल से जानता हूँ, जब मरहम फेसबुक पे एज ए ग्रुप लॉन्च किया गया था फॉर द बेटरमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ द जनरल हेल्थ केयर के लिए जो है वो लॉन्च किया गया था। सो मैंने एज ए डॉक्टर मरहम को ज्वाइन किया था। मरहम के ऊपर जैसे आप सब लोग जानते हैं जो है कि डिफरेंट जो है वो पेशेंट्स जो है वो अपनी क्वेरीज पोस्ट करते हैं और डिफरेंट डॉक्टर्स जो है उनको रिप्लाई करते हैं। सो एज ए ग्रुप मुझे लगा कि मरहम हमारी हेल्थ कम्युनिटी के अंदर जो है और पेशेंट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। बहुत सारी छोटी छोटी क्वेरीज होती हैं जिसके लिए लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहते, वो इम्पॉर्टेंट बहुत होती हैं लेकिन जाना नहीं चाहते लोग उसके पास। मरहम इस सिलसिले में लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, और थम्स अप फॉर मरहम। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरे से काम करवाना चाहते हैं, तो आप मरहम की वेबसाइट के ऊपर जाके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।